आज हम बनाएंगे हरे चने की सब्जी। आजकल हरे चने का सीजन है और बहुत ही बढ़िया हरा चना मिल रहा है, तो चलिए बनाते हैं एक बढ़िया सी हरे चने और आलू के साथ एक बढ़िया सी सब्जी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विभा और चलिए शुरू करते हैं द मैजिक ऑफ फूड। हरे चने की सब्जी को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक मसाले का पेस्ट तैयार करेंगे। उसके लिए मैं ले रही हूँ 4 बड़े चम्मच दही का। दही हमारा यहाँ पे बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच सूखा हुआ धनिया और उसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच सब्जी मसाले का। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और 1/2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी का। और अब इन सभी मसालों को हम अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दही की कोई भी गुठली इसमें नहीं रहनी चाहिए, तो यानी बहुत अच्छे से ये मसाला मिक्स हो जाना चाहिए। हमारा मसाले का पेस्ट अब एकदम तैयार हो चुका है और इसे रख देंगे हम साइड में। और अब हम तैयार करते हैं आलू। तो यहाँ पे मैंने 1 कढ़ाई को थोड़ा गर्म कर लिया है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच ऑयल के। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे आलू। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज के आलू लिए थे जिन्हें की छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है। देखिए इनका साइज, ज्यादा बड़ा साइज मैंने इसका नहीं रखा है, जो कि हमें इसको सौते करने के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तो अब हम अपने आलू को अच्छे से सौते कर लेते हैं, यानी इनको थोड़ा सा हम भून लेते हैं। इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें भूनना है। यहाँ पे फ्लेम आप ज्यादा मत करिएगा, नहीं तो आपके आलू जो है वो बॉटम में बहुत ज्यादा चिपक जाएंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें सौते करेंगे जब तक कि आलू के ऊपर ये हल्की ब्राउन कोटिंग ना आ जाए। बहुत ज्यादा हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ये ब्राउन हो जाए। और देखिए जो हमारा आलू है वो थोड़ा सा गल भी गया है, बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं गला है, बस हल्का सा ये गल चुका है, जो कि चम्मच से आराम से कट रहा है। तो ये हमारे आलू जो है वो परफेक्टली सौते हो चुके हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं। और अब हम शुरू करते हैं हमारी ग्रेवी को बनाना। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच ऑयल। इसे गरम करने के बाद इसपे मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच जीरे का। 1/4 स्पून जाएगा इसमें हींग। 1 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ही बारीक कटा हुआ अदरक का। हल्का सा इसे सौते करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मिर्च और 1 चम्मच जाएगा इसमें कसूरी मेथी का पाउडर। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ज्यादा हमें इसको नहीं भूनना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे दही और मसाले का पेस्ट। और अब हम इसे पकाएंगे। यहाँ पे हमें अपनी फ्लेम को लो पर ही रखना है, एकदम फ्लेम को हाई नहीं करेंगे, लो फ्लेम पर ही हम इस मसाले को पकाएंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। देखिए हमारे दही के मसाले में से ऑयल अब सेपरेट हो चुका है। और अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिए थे जिनका की एक अच्छा सा प्योरे मैंने बना लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक। और अब हमें अपने टमाटर को भी अच्छे से पकाना है जब तक कि इसका पूरा पानी ना सूख जाए। तब तक हम इस टमाटर को पकाएंगे, लगातार चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी इसको बीच में छोड़ेंगे नहीं। देखिए हमारे टमाटर का जो पानी है वो काफी अच्छा सूख चुका है, थोड़ा सा हम इसे और पका लेते हैं। अब हमारा मसाला काफी परफेक्ट लग रहा है, पूरी तरीके से टमाटर जो है वो पक चुका है मसालों के साथ। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा चना। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम हरा चना लिया है, ये कच्चा ही चना है, इसे बॉईल नहीं करा है। और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और 1 मिनट के लिए हम इसे मसालों के साथ पकाएंगे। एक मिनट हो चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो 1 कप मैं पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ।
और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के पकाना है, तो ढककर हम इसे लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। चने को हमें ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती है, बहुत ज्यादा इसका कुकिंग टाइम नहीं होता है, तो 10 मिनट में ही हमारे चने एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। 10 मिनट हो चुकी है, हमारे चने काफी अच्छे लग रहे हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे सौते किए हुए आलू, अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और फिर दोबारा से इसे कवर लगाकर हमें 5 मिनट के लिए पकाना है। आलू हमारा ऑलमोस्ट पका ही हुआ था, बस हल्का सा ही इसे हमें और पकाना है, बहुत ज्यादा हमें अब आलू को नहीं गलाना है, नहीं तो ग्रेवी बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी जो सब्जी है वो काफी बढ़िया लग रही है, रंगत इसकी बहुत अच्छी आई है, ऑयल अच्छा सेपरेट हुआ है इसका, देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आता है सब्जी का दही और टमाटर की वजह से। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे हरा धनिया, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो लीजिए, तैयार है हमारे हरे चने और आलू की ग्रेवी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे चाहे चावल के साथ खाइए या चपाती के साथ, बहुत ही मजेदार ये सब्जी लगती है, तो एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस सब्जी को, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। Thanks for watching.